हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल आखिरी चरण में पहुंच चुका है। तमाम पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इससे पहले एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 10% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की भी लिस्ट सामने आ चुकी है। हरियाणा का अखाड़ा तैयार है। चुनावी धुरंधर एक दूसरे को पटखनी देने के लिए ताल ठोक रहे हैं। उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं। इसी बीच आई एडीआर की रिपोर्ट ने सियासी सुरमाओं की पोल भी खोल दी। चुनावी रण से पहले ही कई दामनों पर दाग भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो इस जंग में 1169 उम्मीदवार उतरे हैं। इनमें से 1138 उम्मीदवारों के एफिडेविट का विश्लेषण के बाद 177 उम्मीदवार ऐसे भी निकले जो खुद अपने अपराधों का ब्यौरा देते दिखाई दिए। एडीआर की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद साफ है कि 1138 में से 117 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2014 में आपराधिक मामलों के साथ मैदान में 94 उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, 70 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस से ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 87 में से 13 कांग्रेस प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 12 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि जेजेपी के 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आईएनएलडी की बात करें तो 80 में से 7 प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के 89 उम्मीदवारों में से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो इस लिस्ट में बीएसपी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं। बीएसपी के 86 में से 9 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 87 में से 8 कैंडिडेट पर गंभीर आपराधिक केस हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 80 में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी की बात करें तो 89 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार ऐसे हैं जिस पर गंभीर आपराधिक मामला है। महिलाओं के साथ अत्याचार का केस 5 प्रत्याशियों पर है और इन 5 में से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर रेप का मामला दर्ज है। अब बात करोड़पति उम्मीदवारों की करें तो 1138 प्रत्याशियों में से 481 करोड़पति हैं। इस लिस्ट में ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा बताई है। करोड़पति प्रत्याशियों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक समान हैं। 87 उम्मीदवारों में से 79 कैंडिडेट दोनों पार्टियों के करोड़पति हैं। 87 में से 62 जेजेपी के उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 80 में से 50 प्रत्याशी करोड़पति हैं और 86 में से 34 बीएसपी कैंडिडेट हैं जो कि करोड़पति हैं। हरियाणा के चुनावी मैदान में अपराधियों की गिनती में भी अब इजाफा हो रहा है। साल 2014 में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार 94 थे जो अब बढ़ करके 177 तक पहुंच चुके हैं। अब करोड़पति गरीब का दर्द कैसे समझेंगे और अपराधी अपराधों पर लगाम कैसे लगाएंगे, ये तो उनको टिकट देने वाली पार्टियां ही जाने। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार चुनावी खादी पर बड़े दाग छपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरलाइन टीवी।